हेलो बच्चे, कैसे हो आप सब लोग। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम है आप लोगों का, है ना, ट्वेल्थ वालों का। तो उसके क्वेश्चंस जो हैं किस किस टाइप के बन सकते हैं, यहाँ पर एक डेमो है। ठीक है, देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अगर ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, देखिए, राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, डिस्कस एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, बजट से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट की होती है, उसके बारे में आपको डिफरेंस बताना है, और 2 ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 2 अवगुण बताने हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, भारतीय संघ की किन 2 विशेषताओं का वर्णन करना है इंडियन फेडरेशन का। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, गिव एनी 3 मेरिट्स ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज से क्वेश्चन आया है, प्राइम मिनिस्टर के रोल से क्वेश्चन आया है, पावर ऑफ द प्रेजिडेंट बतानी है यहाँ पर आपको। ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ पंचायत बताना है, विच डेट द कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, भारत में कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आ रखा है, फंक्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आ रखा है, तो फंक्शंस पढ़ के जाना। ठीक है बच्चे, सजेशन टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ पंचायत राज, या डिस्कस द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेजिडेंट, हाउ इज द बजट पास इन इंडिया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं बेटा, इनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम है आप लोगों का, है ना, 80 मार्क्स का है, तो 40-40 मार्क्स के हैं ये, आप लोगों के 40 नंबर के क्वेश्चंस होगा। ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी मैं अभी लेकर आती हूँ कि उसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप से आएंगे। ठीक है, ओके, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आपके किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे देख सकते हैं आप। मीनिंग ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, राइट एनी 1 क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब आर्टिकल्स भी आ रखे हैं। फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग, इन विच कंडीशन द प्रेसिडेंट इशू द ऑर्डिनेंस, वट इज टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो रहता है वो कितना टाइम के लिए होता है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, भारतीय संघ की एक विशेषता बतानी है इंडियन फेडरेशन की, मेन फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन आ रखें कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर क्या रखें, प्रेसिडेंट क्या रखें। ठीक है, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट भी आ रखा है, एट विच लेवल द पंचायत समितीज आर एस्टेब्लिश्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड राइट देयर मीनिंग्स, गिव द मीनिंग्स ऑफ ट्रेनिंग, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बताना है आपको। ठीक है, 1 क्वालिफिकेशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बताना है, फेलियर ऑफ पंचायती राज बताना है, 1 रीज़न, व्हाट डू यू मीन बाय इन सर्विसिंग ट्रेनिंग, बट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑर्डिनरी लॉ, और भर्ती और प्रशिक्षण में एक अंतर, बाई विच मैथड जज एंड सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव, किस मैथड के द्वारा जो है न्यायाधीशों और न्यायालयों की प्रणालियों को हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर ये फिलअप्स आ गए, भारत के प्रधानमंत्री डैश हैं, कौन है भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुझे कमेंट में बताइएगा आंसर। बजट को डैश के द्वारा पास किया जाता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग डैश में स्थित है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सदस्यों का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉस कौन थे, ये भी बताना मुझे कमेंट में, इसी क्वेश्चन है। बजट को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, पंचायती राज में से संबंधित कानून वर्ष डैश में पास हुआ था, पंचायतों को कार्यकाल डैश वर्ष का होता है, पंचायतों का कार्यकाल, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, पंचायतों के सदस्यों को निर्वाचन डैश करवाता है। फिर आगे ही आ जाते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस, भारत का नाम मात्र कार्यपालिका कौन सा, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज, जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट की एज होती है, रिटायर एज कितनी होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज आर रिक्रूटेड बाय, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कौन है, नेक्स्ट उसके बाद में भारत में बजट के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ बजट, सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन है, भारत के प्रधानमंत्री को निर्वाचित कौन करता है, बजट की अवधि कितनी होती है, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे और बहुत ही इजी हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, देख सकते हो आप, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना, इनके बारे में पढ़ लेना, आपको ईजिली आराम से सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा जाए, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।